सुबह का नाश्ता हो, बच्चों का टिफिन हो या फिर जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे, घर के ही सामान से सिर्फ 2 चम्मच तेल में बना हुआ यह नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप चना दाल को 3 से 4 बार साफ पानी आने तक अच्छे से धोकर 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल अच्छे से फूल के दोगुनी हो गई है। अब हम दाल का सारा पानी निथार देते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमें क्या करना है, दाल को पीसना है। तो पानी निथारने के बाद में दाल को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, धनिया पत्ती, आधा कप दही और थोड़ा सा पानी डालकर सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। यदि आपके घर में लहसुन खाना पसंद करते हैं तो दाल पीसते समय आप इसमें लहसुन भी मिला सकते हैं। ये देखिए चना दाल अच्छे से पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल पीसते समय हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ऐसा ही गाढ़ा घोल चाहिए हमें नाश्ता बनाने के लिए। अब हम पीसे हुए दाल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हींग डालेंगे। सिंपल मसालों से बनी हुई यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई करके देखें। अब हम दाल में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इतना थिक बैटर चाहिए हमें नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम पतीले के ऊपर दूर ढकने वाली प्लेट रखेंगे और प्लेट को तेल लगाकर अच्छे से चिकना कर देंगे, ताकि जो भी हम नाश्ता बनाएंगे वो प्लेट में चिपकेगा नहीं। ये सारी तैयारी करने के बाद हम बैटर में इनो मिक्स करेंगे। इनो मिक्स करने से हमारा जो नाश्ता बनेगा एकदम स्पंजी बन के तैयार होगा। इनो की जगह आप इसमें मीठा सोडा भी मिला सकते हैं। दाल में इनो अच्छे से मिक्स हो गया है और इधर पानी भी गर्म हो गया है। अब हम प्लेट के ऊपर नाश्ते वाली चम्मच से 1-1 चम्मच बैटर रखेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बैटर हम प्लेट के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद में चम्मच से दबाएंगे नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें बैटर रखना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और ढककर 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ही यह नाश्ता अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नाश्ता अच्छे से पक गया है। अब हम प्लेट को पतीले से नीचे उतार लेते हैं। प्लेट को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में चना दाल की टिक्की को प्लेट से निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से नाश्ता प्लेट में से निकल गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब हम इसी प्लेट में तेल लगाकर बाकी सारा नाश्ता भी वैसे ही बना लेंगे जैसे हमने अभी बनाया था। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर हरी मटर का नाश्ता, पापड़ का नाश्ता, सैंडविच, ढोकला बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, आपको सारी रेसिपीज मिल जाएगी। तो चलिए अब हम फिर से गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है। पूरी रेसिपी में हमने सिर्फ 2 चम्मच तेल का ही यूज़ किया है। आधा चम्मच राई दाने, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 15 से 20 कड़ी पत्ते डालकर अच्छे से चटकने देंगे। राई दाने और कड़ी पत्ते अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इसमें लंबे लंबे टुकड़ों में कटे हुए 2 प्याज ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर भी मिला सकते हैं। जो भी सब्जी आप खाना पसंद करते हैं आप इसमें मिला सकते हैं। और यदि आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तैयार तड़के में चना दाल टिक्की डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि तड़का सारी टिक्की पर अच्छे से कोट हो जाएगा। दो चम्मच टोमेटो केचप और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला या फिर मैजिक मसाला डालकर भी इंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते के साथ में सर्व करने के लिए आप चाहे तो नारियल की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। जितना नाश्ता देखने में सुंदर लग रहा है उससे कई ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। एक बार आप भी जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।